जैसे हमने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बाइनरी ट्री के बारे में, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है इसको खोल के पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में। हमने देखा था कि एक तो एरे रिप्रेजेंटेशन होती है बाइनरी ट्री की, आप एरे की सहायता से बाइनरी ट्री को बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी बोला था इस वीडियो में कि यार ये दिस जो आर लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी ट्री की, दिस इज समथिंग वी आर इंटरेस्टेड इन। हमने एरे की बात तो करी थी। अब देखो, अगर आपको एरे रिप्रेजेंटेशन को कोड करना है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक बाइनरी ट्री गिवन है, आपको यहाँ पर एक एरे बनाना है और उसमें सारी कीज़ को स्टोर करते जाना है। अगर मान लो यहाँ पर ये वन नहीं होता तो आप यहाँ पर नल लिख लो, और नल नल लिख के आप इसको जो है कोड करके अपने एरे के अंदर फिट कर दो। अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखे हैं तो मैं आपको एक चीज़ तो गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री बहुत ही आराम से कर लोगे। ठीक है, अब लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन हम लोग करने वाले हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, तो एरे को मैंने क्यों स्किप कर दिया ये मैं बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोग इसको कर लो। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिसमें आप लोग को थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी कि यार अगर किसी नोड का पेरेंट है तो वो होगा फ्लोर ऑफ, अगर मैं इसकी पोजीशन ले लूँ यहाँ से स्टार्ट करके 0 1 2 से, तो वो होगा फ्लोर ऑफ आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, लेट मी चेक फॉर दिस वन। अगर मैं 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 6, और डिवाइडेड बाय 2 होता है 3, और ये हो जाएगा मेरा, और उसके बाद मुझे पूरे का -1 भी करना पड़ेगा। तो इस तरह के फॉर्मूलाज बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, बट यहाँ पर मैं एरे रिप्रेजेंटेशन को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में लिंक रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करने वाले हैं और लिंक रिप्रेजेंटेशन की तरफ इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एरे रिप्रेजेंटेशन के बाद मैंने बात की थी लिंक रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर इसको लिंक रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं तो एक नोड होगा, रूट नोड होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, उसका राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, और ऐसा होता रहेगा होता रहेगा। हो सकता है कि कोई चाइल्ड किसी नोड का नल हो, ठीक है, यानी कि हो ही ना वहाँ पर, तो उसको नल हम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें सी में कोड कैसे करनी है ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए एक स्ट्रक्चर लिख कर दिया था। ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन चीज़ें होंगी। एक तो डेटा होगा, अब ज़रूरी नहीं है कि डेटा इंटीजर ही हो, डेटा आपका कैरेक्टर हो सकता है, डेटा आपका फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। डेटा एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है अपने आप में, एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है अगर आप सी प्लस प्लस में हैं तो। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को डेटा से स्टार्ट करें। हम सिर्फ इंट डेटा लेते हैं, इंटीजर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि यार इंटीजर जो है वो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है सीखने के लिए, इसलिए मैं इंटीजर से ही स्टार्ट करूँगा इसको। और अब हम लोग क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर को बना लेंगे जिसकी यहाँ पर मैंने बात करी थी, कि स्ट्रक्ट नोड इन डेटा, स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट, स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट। और ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग नोड्स को कैसे बना सकते हैं, उनको आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य होगा इस वीडियो में वो ये होगा कि यार मैं एक फ़ाइल बनाऊं। वीडियो नंबर 65 हमारा चल रहा है, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो नंबर 65 के नाम से बनाऊंगा एक फ़ाइल। मैं लिखूंगा 65 अंडरस्कोर लिंक्ड अंडरस्कोर REP बिन ट्री। ठीक है, और मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड डाल दूंगा। और बॉयलर प्लेट कोड डालने के बाद, बाय द वे, कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि यार हम लोग कोड ब्लॉक्स इस्तेमाल करें क्या, VS कोड ज़रूरी है क्या? नहीं यार, आप कोड ब्लॉक्स कर सकते हो अगर आपको पसंद है, बट यार मेरे हिसाब से VS कोड इज़ मॉडर्न, मच बेटर, और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो जैसे वेब डेवलपमेंट वगैरह। तो मेरे हिसाब से यार VS कोड मुझे तो पर्सनली सही लगता है, बट अगर आपके पास कोई दूसरा रीज़न हो कोड ब्लॉक्स वगैरह यूज़ करने का तो आप कर सकते हो, ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा स्ट्रक्ट नोड, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्ट्रक्ट नोड बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले तो इन डेटा लिखूँगा। ठीक है, इन डेटा लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट और स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट। ठीक है, तो ये एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, एक तो डेटा है जिसमें, और एक लेफ्ट और राइट नोड है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो, स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट, स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट। ठीक है, अब अगर मुझे एक नोड बनाना है तो सबसे पहले ट्री बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, रूट नोड बनाना होगा। तो रूट नोड बनाने के लिए मुझे मैलॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो काम मैं जो करने वाला हूँ वो ये है कि मैं मैलॉक डॉट एच को इंक्लूड करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैलॉक डॉट एच को इंक्लूड करने के बाद
मैं यहाँ पर लिखूँगा struct node star p is equal to, या मैं सबसे पहले struct node star p बना लेता हूँ, एक मैंने pointer बना लिया to this structure, और अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा p is equal to, मैं कहूँगा p is equal to struct node star, और उसके बाद मैं लिखूँगा malloc, malloc, और मैं लिखूँगा size of struct node, यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, struct node star नहीं, struct node, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर भी node star लिख देते हैं। देखो मैं इस structure का size लेना चाहता हूँ, मैं malloc से कहना चाहता हूँ कि मुझे इतना बड़ा data दे दो heap में, मुझे इतनी memory reserve करवा दो heap में, तो ये जो है code वो काम करवाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर सबको कि भाई यहाँ पर struct node क्यों बनाया गया, यहाँ पर मैंने int data लिखा हुआ है, struct node star left और struct node star right, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक नया नोड बना लिया है, एक नया नोड उत्पन्न हो चुका है, यहाँ पर क्या हो चुका है, एक नए नोड की स्थापना हो चुकी है, एक नया नोड उत्पन्न हो चुका है। अब उस उत्पन्न हुए हुए नोड को मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट को कर दो नल और इसके राइट को भी कर दो नल, ठीक है, इसके राइट को भी कर दो नल। तो ये रूट नोड मैंने बना लिया है, अभी एक ऐसा ट्री बना लिया जिसमें सिर्फ रूट नोड है। अब मान लो मैं P1 P2 भी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, P1 P2 बनाना चाहता हूँ जो कि P से लिंक्ड हो। तो अगर मैं आ जाऊँ अपने उसी वीडियो में, तो यहाँ पर देखो अगर मैं ये वाला ट्री बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने अभी ये P बनाया है, ठीक है, और अब मैं बनाना चाहता हूँ P1 P2, मान लो P1 ये 1 वाला नोड है और ये 4 वाला नोड P2 है, तो P यानी कि 2 वाला नोड, P1 यानी कि 1 वाला नोड और P2, ये तीन नोड्स का अगर मैं ट्री बनाऊँ तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, ये दोनों नोड्स भी बनाने पड़ेंगे। अब सुनना बात ध्यान से, सबसे पहले मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, नीचे, और मैं जहाँ जहाँ पी लिखा है वहाँ P1 कर दूँगा, ठीक है, और जहाँ जहाँ यहाँ पर P1 लिखा है P2 कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुल मिला के तीन नोट्स बना लिए, इसको भी P2 करूँगा, इसको भी P2 करूँगा, कुल मिलाकर मैंने तीन नोट्स बना लिए, ठीक है। और ये जो तीन नोट्स हैं मेरे, अब मैं क्या करूँगा कि इनको लिंक करूँगा, अभी मैंने लिंक सही से किया नहीं है, मैं चाहता हूँ P का जो लेफ्ट है वो हो जाए P1 और P का राइट हो जाए P2, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करके मैं कहूँगा P का जो लेफ्ट है वो हो जाए P1 और P का जो राइट है वो हो जाए P2, और मैं इसको सेव करूँगा। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ यार कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, नहीं कोई गड़बड़ मैंने नहीं करी है, प्रोग्राम अच्छी तरह से कंपाइल हो गया। बट ज़रा एक बात मुझे बताओ आप लोग, देखो ये करने में कोई गलत बात नहीं है, ये करना कुछ भी गलत नहीं है, मैं कहूँगा आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टिंग द रूट नोड, ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट नोड, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट नोड, और यहाँ पर लिख दूंगा कंस्ट्रक्टिंग द सेकेंड नोड। तो तीन नोड हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, जो रूट नोड था वो बनाया, फर्स्ट नोड फिर सेकेंड नोड, ठीक है, तो ये रूट नोड हो गया। और अगर मैं इसको सेकेंड इसको थर्ड कहूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि यार रूट अपने आप में पहला नोड हमने बनाया, दूसरा नोड ये बनाया, तीसरा नोड ये बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लिंकिंग दी रूट नोड विद लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन, ठीक है, तो जो रूट नोड था उसको लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन से मैंने लिंक कर दिया, ठीक है। सो P1 P2 के जो लिंक्स हैं वो मैंने लगा दिए और P1 P2 को मैंने बना दिया। अब ज़रा एक बात मुझे बताओ, जितने मैं नोट्स बनाता जाऊँगा, सबसे पहले तो ये बोल दूँ कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हो, बस होगा क्या, रिपीटेशंस, देख रहे हैं कितने रिपीटेशंस हैं, ये तीन लाइंस, ये चार लाइंस इनफैक्ट रिपीट होते जा रही हैं, होते जा रही हैं, होते जा रही हैं। क्या मैं इसका एक फंक्शन नहीं बना सकता, क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि यार इसका जो डेटा है वो मैं डालता जाऊँ। बाय द वे मैंने यहाँ पर इसका डेटा सेट नहीं किया, वो भी आप आइडियली करना चाहेंगे, तो जो डेटा है यहाँ पर अगर मैं ये वाला ट्री बना रहा हूँ 2, 1 और 4 मैं कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 कर दूंगा, उसके बाद मैं 1 कर दूंगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं कर दूँगा 1 और उसके बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा 4, ठीक है, 2, 1 और 4। ये जो लाइंस है ना ये रिपीट हो रही है, 1, 2,
तीन, हर नोड के लिए एक बार ये लाइन रिपीट हो रही है। क्या मैं क्रिएट नोड का एक फंक्शन नहीं बना सकता? क्या मैं एक ऐसा फंक्शन नहीं बना सकता जो कि एक नोड पॉइंटर को रिटर्न करता हो? तो मैं कहूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार क्रिएट नोड, और उसके बाद मैं डेटा ले लूँगा और मैं क्या करूँगा, यही करूँगा जो मैं यहाँ कर रहा था, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूँगा, और यहाँ पर क्या है मैंने लिखा है, और मुझे पी को भी बनाना पड़ेगा, मैंने पी को यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, और मैं यहाँ पर ना पी की जगह नोड लिख देता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सही रहेगा, या एन लिख देता हूँ क्योंकि नोड तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर का नाम है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, मैंने कहा एक मैं यहाँ पर नोड पॉइंटर बनाऊँगा सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेमोरी एलोकेट कर लूँगा हीप में, डेटा को मैं सेट कर दूँगा इज इक्वल टू डेटा कर दूँगा, लेफ्ट राइट चाइल्ड को नल नल कर दूँगा, और फाइनली मैं क्या करूँगा, और फाइनली मैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड को नल करने के बाद रिटर्न कर दूँगा इस नोड को, ठीक है, मैं रिटर्न कर दूँगा इस वाले नोड को, समझ लो आप। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे लेबलिंग करने वाला हूँ, क्योंकि यार ये चीज़ आपके दिमाग में अगर मैंने नहीं घुसाई ना तो प्रॉब्लम होगी आगे। तो यहाँ पर क्रिएटिंग अ नोड पॉइंटर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा एलोकेटिंग मेमोरी इन द हीप, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेटिंग द डेटा, सेटिंग द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रेन टू नल, ठीक है, इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फाइनली रिटर्निंग द क्रिएटेड नोड, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसको रिटर्न कर दूँगा। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग द सेकेंड नोड, कंस्ट्रक्टिंग द थर्ड नोड, ये सब करने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली क्रिएट नोड को कॉल कर सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि p इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कहूँगा कि स्ट्रक्ट नोड स्टार p इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले एक काम करूँगा कि ना इस चीज़ को ना ऐसे ऐसे कर दूँगा पूरा, मैं मिटाना नहीं चाहता यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके पास वो कोड भी रहे जो मैंने लिखा है, सारे कोड आपके पास रहे। मैं यहाँ पर लिखूँगा अभी कि struct node star p is equal to, मैं ये भी कॉपी करता हूँ कमेंट के साथ इसको कॉपी करना पसंद करूँगा। मैं लिखूँगा constructing the root node, मैं लिखूँगा struct node star p is equal to, और मैं ये ना करके मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली क्रिएट नोड को कॉल करूँगा, और मैं कहूँगा क्रिएट नोड, और मैं डेटा जो है वो डाल दूँगा जो कि हमारा 2 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2401 था, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा P1 और P2 के लिए भी यही करूँगा, और मैं 2104 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2104 ही था, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि नोट्स बनाने के बाद इनको लिंक कर दूँगा, और हाँ लिंकिंग का कोड वही रहेगा, तो मैं लिंकिंग के कोड को ना यहाँ से बाहर ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग द रूट नोड यूजिंग फंक्शंस, ठीक है, यूजिंग फंक्शन, एक ही फंक्शन है रेकमेंडेड, ठीक है, ये मैं रेकमेंड करूँगा, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको टाइपिंग ज़्यादा करनी है तो, ठीक है। अब इसको रन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और ये भी जो है चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने कुछ प्रिंट किया नहीं है, इसलिए मेरा प्रोग्राम कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन अगर मेरा प्रोग्राम इतना कुछ लिखने के बाद एरर भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब मैंने सब कुछ ठीक लिखा है, ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को मालूम है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक नोड बना रहा हूँ, उसको लिंक कर रहा हूँ उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड से, मैं और नोड्स भी बना सकता हूँ, मैं P3 P4 भी बना सकता हूँ, और P3 P4 बनाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि जो उसके चिल्ड्रेन हैं या फिर जो उसके पेरेंट हैं उनको सबको लिंक करूँगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम में दिखाता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ये आप लोग को दिख रहा है ट्री, अगर ये मेरा पहला नोड है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो मैं चौथा नोड 11 भी बना सकता हूँ और उसको P1 से लिंक कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ P1 का लेफ्ट चाइल्ड ये वाला नोड, राइट चाइल्ड ये वाला नोड, फिर उसके बाद मेरा P2 का लेफ्ट चाइल्ड नल, राइट चाइल्ड ये वाला नोड जो कि 3 है, तो मैं ये सारे काम भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, और पी लेफ्ट पी राइट, ये मैंने अभी सिर्फ दो लिंक लगाए, एक बहुत सिंपल सा ट्री बनाया है। बट आई होप कि यार लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन का कोड आप लोगों को समझ में आ गया। मैं ये सारा का सारा कोड आप लोगों को दे दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, कहीं ना कहीं मैं ये कोड आपको दे दूंगा। बट रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग इसको टाइप करें, जितना टाइप करोगे उतने समझ बढ़ेगी इन सब चीज़ों की,
एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ यार, आप लोग जितना टाइप करोगे इन सब चीज़ों को उतना अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स होते जाएंगे, ठीक है। एक और बात ये कि अगर आप लोगों को पॉइंटर्स और ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, क्योंकि मैंने देखे कुछ कमेंट्स उसमें, मैंने ये चीज़ स्मेल कर ली यार, लोगों को प्रॉब्लम है अभी भी सी लैंग्वेज में। मैंने सी लैंग्वेज का एक कोर्स बना रखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आप लोग देख लो कोर्स, मैंने बहुत जान लगा के इसको बनाया है, नोट्स के साथ आप लोगों को दिया है। तो यार ये कोर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस कोर्स को आप लोग ज़रूर देख लो। थोड़ा लंबा है ज़रूर, 15 घंटे का, मैं कहूँगा यार ये लंबा नहीं है, छोटा कोर्स है, क्योंकि यार मैंने जितना कुछ पैक किया है ना इस छोटे से वीडियो में, मैं 15 घंटे को भी छोटा बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इस छोटे से वीडियो में मैंने जितना कुछ पैक किया है, क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर वॉच करो, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है पॉइंटर्स में। हाँ, अगर आपकी सी जो है एकदम परफेक्ट है, आपको लगता है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पॉइंटर्स, पॉइंटर टू पॉइंटर, नल और स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को अच्छे से मुझे समझ में आती है, तब आपको ज़रूरत नहीं है देखने की। बट अगर दिक्कत आ रही है तो देख लो इस वीडियो को, इट विल बी वर्थ इट, ठीक है। आप एक दो दिन में इसको ख़त्म कर दोगे अगर आप थोड़ी ज़्यादा सी डेडिकेशन लगा दी इसको देखने में। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया, जो बात मैंने थ्योरी में आप लोगों को वीडियो नंबर 64 में बताई थी, वो आप लोगों को वीडियो नंबर 65 यानी कि ये वाले वीडियो में अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। सो अब हम लोग जो है आने वाले वीडियोस में ट्रैवर्सल्स को देखेंगे, बाइनरी ट्री को किस तरह से ट्रैवर्स किया जाता है, और वो वीडियोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर कर लेना। ये प्लेलिस्ट आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर देखोगे तो आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।